साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल सोशल बिको पे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊं कि जो पेंशनर्स हैं और उनकी जो मांगे हैं उसको लेते हुए काफ़ी प्रिंट मीडिया ने इसको जो है कवर किया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से जो प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया। पेंशनर्स ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। जी हां, आर पार की लड़ाई की बात कही गई है। पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से आपको पता ही है कि अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से आश्वासन के बाद भी अभी तक इनकी मांगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इसके विरोध में जो EPS 95 पेंशनर्स ने सीधे तौर पर जो है अब चेतावनी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अगला जो है प्रिंट मीडिया है, उन्होंने कवर किया बुजुर्ग दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ, ये कानपुर से है ऑल इंडिया और एक देख सकते हैं अगर एक माह में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली के लिए करेंगे कूच। ये एक महत्वपूर्ण अखबार ने इसको कवर किया हुआ है। एक अन्य प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया। लिखते हैं आर पार की लड़ाई को मजबूर हैं पेंशनर्स। 67 लाख से अधिक पेंशनर्स प्रभावित हैं। मांगे पूरी न होने पर धरना देंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा एक प्रसिद्ध अखबार है जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने किया मीटिंग ऑफ पेंशनर्स ऑर्गेनाइज्ड। जनरल मीटिंग ऑफ EPS 95 ऑर्गेनाइज्ड रावतपुर रेलवे रावतपुर रोडवेज बस स्टैंड ऑन संडे। तो ये आप देख सकते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है क्योंकि पेंशनर्स अब सीधे सीधे लड़ाई पे हैं, अपने विचार बना लिए हैं और अब जब तक मांगे नहीं हो जाएंगी एक माह के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो दिल्ली में ज़रूर जो है जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करेंगे। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।